वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तभी हम लोग आए हुए हैं भानपुरी, जगदलपुर से 36 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं फूफा जी का फार्म हाउस देखने। फार्म हाउस यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़, अलग अलग मतलब अलग अलग फल के पेड़, और सबसे वैसी गाय और देसी मुर्गे। तो देसी मुर्गे आपको ऐसे नहीं देखने को मिलते हैं, जो बाहरी होते हैं उसको इंजेक्शन से तैयार किया जाता है, बाकी ये पौष्टिक चीज़ देकर के इन लोगों को तैयार किया जाता है। देखिए वो, तो ये सब देखने के लिए आए हुए हम लोग यहाँ पे। तो बाकी आप देखो कि क्या क्या चीज़ का पेड़ है और यहाँ क्या क्या है यहाँ पे। अरे चोरी कर, चोरी अरे ये हो गया ना। जामुन हाँ तो बड़ा हो गए ही और बड़ा होता है। अरे बढ़ता है जामुन मौसम में, और इतना बड़ा होगा। अच्छा, अभी भी बढ़ेगा तो छोटा है। अमरूद काफी बड़ा अमरूद है, बोल रहा है मिलेगा। अरे गांव में इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ तो फिर भी इतना मैक्सिमम इतना बड़ा होगा बस। यहाँ बगीचे ही बनवा रहे भैया क्या? बाद में देखेंगे भविष्य। हाँ अभी तो ठीक है, खाली है तो बगीचा ही। हाँ ये जल्दी सब जगह होता भी नहीं, रोड रोड पे ही पाया जाता है इसको ज़्यादा। बहुत महंगा पेड़ होता है, इसका लकड़ी बहुत महंगा होता है। तब तो थोड़ा बढ़ेगा। ये नया आम का पौधा लगाया है। चार पाँच साल में बगीचा हो जाएगा ये भी। वो दो पेड़ बढ़ ही गया है, ये सब लग बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। गांव में सबसे बड़ा भी होगा तो इससे छोटा ही होता है नहीं। बस और अभी इस पर भी इतना टाइट है, इसका मतलब अभी और पकेगा अभी। गांव में रहता फट गया रहता नहीं तो गिर गया रहा था, इससे छोटा था तभी। चंदन पर सांप होते हैं उसमें। क्या चीज है? रुद्राक्ष एक मुट्ठी। संतरा का है ये जो लगे। हाँ ये भी चंदन है, ये रक्त चंदन। अबे बाकी सब मुर्गा मुर्गी लोग कहाँ हैं अभी? घास काटने का काम आता है ये? जुटाई यहाँ है, यहाँ लगता है, केस भी लगता है, अपना नाव लगता है, क्या बोलते हैं इसको, एक
चक्का हट जाता है, चक्का की जगह रोटावेटर वो लगता है, रोटावेटर लग के रखा होगा, चक्का को खोलते हैं और उसको कस देते हैं, और इधर हल अगर लगाना रहेगा तो इधर हल लगा सकते हैं। छोटा ट्रैक्टर काम करता है। और उसके बाद से हम लोग निकले वापस जगदलपुर की तरफ, और वो मस्त जंगल के रास्तों से बीच से होते हुए तो फार्म हाउस के पास सब हम आ चुके हैं बस्तर हाट। बस्तर हाट में रूपा जी कुछ लाए कुछ दिखाने के लिए, अब क्या दिखाते हैं चलकर देखते हैं। ये छठवीं शताब्दी की मंदिर है, छठवीं शताब्दी नागवंशी राजाओं ने बनाया था। नागवंशी के काकती जो साउथ के मूर्ति चोरी हो गई, खाली खाली जगह खनखन दिख रहा है ना, खाली सब छोटा छोटा मूर्ति हो। उसके बाद से हम लोग गए घर, घर में खाना ना खाया, और फिर शाम को निकले घूमने के लिए। शाम को फुआ जी हम लोग ले गए देवड़ा मंदिर, जहाँ पे शिव जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही माना जाना मंदिर है। अभी तो जिस दिन हम लोग गए उस दिन थोड़ी भीड़ नहीं थी, पता नहीं क्यों, अभी मुझे नहीं पता, बट उसका सावन में बहुत भीड़ लगती है वहाँ पे, सावन में और सोमवार को बहुत भीड़ लगती है वहाँ पे। ये माना जाता है कि जो वहाँ पे जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग अपने आप प्रकट हुई थी धरती से, और हर साल उस शिवलिंग की लंबाई आधी आधी इंच बढ़ती है, और देखने में भी वो शिवलिंग काफ़ी लंबा लग रहा था, लग रहा था कि हर साल हाँ बढ़ती होगी हाइट उसकी, और काफ़ी माना जाना मंदिर है। बंद है मंदिर, मंदिर बंद है, मंदिर रखी है जो बंद है। हाय मोलवास बाबू, हम नारियल है जय आदमी ने यहाँ तो पड़ समझ ही नहीं पाए क्या हो किधर रास्ता किधर से अंदर जा सकते ना, कहाँ लिखा अंदर जाना मना है, वहाँ लिखा था। कहाँ चल चप्पल डालना पड़ेगा। इधर से है रास्ता,
पूरा जंगल जंगल ही जंगल, ये सांप बांध होंगे सब इधर। नहीं सांप से डर क्या? क्या चीज आने वाले जो इनके बच्चे हैं ना? हाँ वो नहीं रहे। सब मूर्ति, इतना मूर्ति फेंका हुआ है क्या सब? अब ये पता नहीं कौन से हैं, हम लोग को तो पता भी नहीं है ना। ये इनका ऐसा ऐसा जगह पे शूटिंग होता है बहुत, अक्सर में वो हॉरर मूवी ऐसी जगह बनती है, हॉरर मूवी। उसके बाद से जो नहीं हीरो हीरोइन छुपते हैं खूब, ऐसे ही तालाब दिखता है बस। अरे कौन से मूवी में तो कोई तो मूवी था जिसमें एकदम सेम ऐसा ही सीन था। इतना घूमने के बाद से हम लोग का दिन खत्म हो गया, तो ब्लॉग कभी करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो सही तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।